मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से लिया गया है और ये है कबीर की साखियाँ। पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय यानी कि कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश के काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। भक्ति आंदोलन को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, उनमें से कबीर दास जी भी एक थे। यह जनश्रुति है या ऐसा कहा जाता है कि काशी के जुलाहा दंपति नीरू और नीमा को वे एक अबोध अवस्था में कहीं पर मिले थे। इनका पालन उन दोनों जुलाहा दंपति ने किया। जुलाहा कहते हैं वस्त्र बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले को। तो नीरू और नीमा नामक दंपति ने, पति पत्नी ने इनका लालन पालन किया। कबीर भी जब बड़े हुए जुलाहे का काम करने लगे, किंतु मन में किसी परम तत्व की खोज में हमेशा भटकते रहते। अंत में इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्होंने कहा, काशी में हम प्रकट भए रामानंद चेताए। इस प्रकार उन्होंने बताया कि उनका जन्म काशी में हुआ और उन्हें आत्मज्ञान या परम तत्व की प्राप्ति या उनको चैतन्य किया रामानंद जी ने। उस समय देश में हिंदू और मुसलमानों में कट्टरता और आडंबर व्याप्त था। बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति वे कट्टर थे और दिखावा, आडंबर कहते हैं दिखावे को, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से दिखावा हो रखा था इन धर्मों में। कबीर ने इन्हें खुली फटकार सुनाई और एक नया मानव धर्म इनको सिखाया, जो कि कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और भक्ति को प्रधानता दी। निर्गुण ब्रह्म यानी कि बिना आकार के, जिस तरह हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं या तस्वीर में एक रूप दे मानकर भगवान का उसकी साधना आराधना करते हैं, लेकिन उन्होंने जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, उसे निर्गुण माना। किसी भी आकार प्रकार का उन्होंने नहीं माना, बल्कि एक परम शक्ति के रूप में माना और उसी की उपासना की ओर उन्होंने ध्यान दिया। उसी की उपासना पर उन्होंने जोर दिया, उसी के निर्गुण ब्रह्मा की पूजा भी नहीं, निर्गुण ब्रह्मा के सच्चे मन से साधना पर ही इन्होंने जोर दिया। कबीर दास जी की रचनाओं जो कि साखी, सबद, रमेनी, ये हैं, इन तीनों को एक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है जिसका नाम बीजक ग्रंथ है। इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें कुछ गांव के शब्द, कुछ संस्कृत के, तो कुछ मतलब हर तरह की अलग अलग जगह की भाषाओं का मेल इनकी भाषा में देखा जा सकता है। इसीलिए इसे सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर दास जी संत के साथ साथ समाज सुधारक तथा कवि हृदय भी रखने वाले महापुरुष थे। तो अब पढ़ते हैं इनकी साखियाँ। कबीर के साखियों में पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार को, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की यानी साध या साधु या सज्जन व्यक्ति की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वह किस धर्म का है, किस जाति का है, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि उसके ज्ञान की जानकारी हमें होनी चाहिए, उसकी जाति की नहीं। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तरवार मतलब तलवार और म्यान मतलब तलवार को रखने के लिए जो उसका शीट होती है या जो कवर होता है उसे बोलते हैं म्यान। तो कभी भी तलवार जब खरीदते हैं तो हम उसकी म्यान का भाव नहीं पूछते या उसके मोल उसका नहीं करते, बल्कि उसके अंदर जो तलवार होती है उसकी धार या उसकी खूबी, उसकी जो विशेषताएं होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं मानना चाहिए, वह अच्छा है या बहुत जानकार है या साधु सज्जन व्यक्ति है, बल्कि हमेशा उस व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर उसका
आदर होता है, ज्ञान के आधार पर ही उसका मान सम्मान होता है। तो कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी किसी को ये देखकर कि उसने साधु जैसे कपड़े पहने हैं या बहुत बड़ा संत लग रहा है, लेकिन हम उसकी जाति के आधार पर उसे बड़ा नहीं मान सकते, जब तक कि हमें उसके ज्ञान की गहराई के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में न पता हो। तो वे कहते हैं कि किसी भी साधु की जाति पूछने के बजाय उसके ज्ञान की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है वह अच्छे कुल से उच्च कुल का हो या अपने आप को बहुत बड़ा साधु महात्मा दिखाना चाहता हो, लेकिन वास्तव में ऐसा ना हो। और ये भी हो सकता है कि कोई उच्च कुल का ना हो, ऊँचे खानदान का ना हो, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो उनसे कई गुना ज़्यादा हो। तो ज्ञान का महत्व होता है, जाति का नहीं। जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, तलवार का मूल्य होता है, न कि उसका म्यान यानी कि जो उसका कवर है उसका। म्यान भले ही कितनी ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसके अंदर की जो तलवार है उसकी धार तेज नहीं है या जंग लगा हुआ है या वो बेकार है तो उसका कोई मोल नहीं होता। इसी प्रकार बिना ज्ञान के कोई भी साधु नहीं हो सकता। इसीलिए मूल्य या गुणों की पूजा होनी चाहिए, व्यक्ति की जाति की नहीं। अगली साखी है, आवत गारी एक है उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। इसका शाब्दिक अर्थ है, आवत मतलब आती है, गारी मतलब गाली या अपशब्द, उलटत यानी जवाब में या वापस जवाब देने से, होई मतलब हो जाती है, अनेक मतलब एक से ज़्यादा, उलटिए का मतलब वापस से जवाब देना, वही एक की एक यानी एक ही रहेगी। तो इस साखी का मतलब है कि जब कोई हमें अपशब्द कहता है, कोई गाली देता है, तो उलटकर यानी सामने वाला भी वापस से जवाब देगा और फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उलटत भई अनेक, एक अपशब्द के जवाब में सामने वाला भी जवाब देता है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। कहे कबीर नहीं उलटिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी उल्टा जवाब मत दीजिए। कभी भी अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है तो उसे अनसुना कर दीजिए, उसकी बात का जवाब मत दीजिए, वही एक की एक। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो एक अपशब्द उसने कहा है वह वहीं तक सीमित हो जाएगा, आगे बात नहीं बढ़ेगी। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ, अब इसका भाव यह है कि मान लीजिए आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार, कोई भी जो आपको जानता है, वह आपको किसी बात पर नाराज़ होकर अपशब्द कहता है, तो अगर आप वापस से उसे जवाब देंगे तो क्या होगा, बात बढ़ती जाएगी और हो सकता है बात इतनी बढ़ जाए कि जो आपका कभी मित्र था वह आपका शत्रु बन जाए। और अपशब्द कहने से भले ही आपकी झगड़ा ख़त्म हो जाए, लेकिन जो बातें हैं जो आप बोलते हैं, अपशब्द जो बोलेंगे, गालियाँ देंगे, तो वह हमेशा के लिए मन में बैठ जाएगी और इससे क्या होगा, भविष्य में कभी भी आपके संबंध वापस से अच्छे नहीं हो सकते और जो झगड़ा है वह भी बढ़ता ही जाएगा। तो कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं कि अगर कोई आपको अपशब्द कहता है, हो सकता है वह उस समय आपसे नाराज़ हो और गुस्से में बोल रहा हो, तो आप उसको जवाब मत दीजिए, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और हो सकता है अगर आप सही हैं, आपकी गलती नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी गलती समझ में आ जाएगी और जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो बात भी ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार सामने जवाब न देकर हम झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए भले जब झगड़े की शुरुआत होती है तो एक गाली से, एक अपशब्द से होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपको अपशब्द कह रहा है उसके उल्टा जवाब मत दीजिए, उसकी बात को मत पलटिए, मत उलटिए, आप भी उसके सामने जवाब मत दीजिए, तो वही बात ख़त्म हो जाएगी।